जिस व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता सबसे बड़े देश के कोयला चोर का टैग देते थे, 1,86,000 करोड़ रुपए का, जिसको कोयला चोर बताया प्रधानमंत्री ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, आज उस व्यक्ति को भाजपा अपना सिपाही बता रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस व्यक्ति का बायकॉट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को घर घर जाके हमने कोयला चूर कहा था, कोयला चोर कहा था, आज उसको कोहिनूर कैसे कहें, आज उसके लिए वोट कैसे मांगे। कल आप सभी ने देखा कलायत के अंदर भी जिस तरीके से नवीन जिंदल का विरोध हुआ, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। कुरुक्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत समझ चुकी है, भाजपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, और ये तो शुरुआत है।